सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये हमारा टॉपिक चल रहा है इस सेमी कंजर्वेटिव मोड में जो हमने कंप्लीट किया था वो था मैसलसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट था क्लियर मैसलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में जो यूज एक मिनट में डोर क्लोज करता हूँ सो मेसलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में जो मेन चीज थी वो था रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन वो भी हैवी नहीं एक्चुअली हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का एन फिफ्टीन जो टेक्निक कंसिडर की गई वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन सीजियम क्लोराइड के साथ जो ऑर्गेनिज्म था वो इकोलाई e. क्योंकि प्रो कैरियॉट के अंदर हमने ये स्टडी किया और ऐसा करके हमने प्रूव ये किया कि डीएनए का ए सेमी कंजर्वेटिव

तो जैसे हैवी आइसोटोप को लेके आज की क्लास शुरू करते हैं जैसे हैवी आइसोटोप को लेके आपने एक्सपेरिमेंट किया एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा ऐसे ही इसी सीरीज में एक सेकंड एक्सपेरिमेंट है सेकंड एक्सपेरिमेंट यू कैरी को जैसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो उसमें एन फिफ्टीन लिया गया पहली चीज और मैसेलसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट था वो जो टेक्निक यूज की वो सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन था और ऐसा करके जिस ऑर्गेनिज्म में एक्सप्लेन किया गया वो प्रो था मतलब प्रो का डीएनए रेप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है वो इससे पूरा किया गया तो क्या यू का भी ऐसा ही होता है तो यू में जो एग्जाम्पल कंसिडर किया गया दैट वॉज वीसी फाबा वीसी फाबा फैमिली का प्लांट हो गया बांकला जो एक फली आती है मार्केट में एज ए वेजिटेबल यूज होती है फेबेसी फैमिली का प्लांट है प्लांट मतलब यू कैरी हो ही गया यहाँ जो टेक्निक यूज की गई वो ऑटो रेडियोग्राफी थी ऑटो रेडियोग्राफी क्योंकि यहाँ पे रेडियो आइसोटोप को यूज किया गया सो तो टेक्निक वॉज ऑटो रेडियोग्राफी है ना और ये जो काम किया था वो टेलर ने किया था तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो टेलर हैं ये टेलर्स के एक्सपेरिमेंट है टेक्निकेडियोग्राफी जो ऑटो रेडियोग्राफी में यूज किया गया रेडियो एक्टिव मटीरियल वॉज ट्राइटेटेड था वन एच थ्री वन एच वन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोजन में वन एच थ्री भी पढ़ा होगा तो एच को जो है वो वन एच थ्री लिया गया इसको लिखा जाता है ट्राइटेड और ये एच किसमें इनकॉर्पोरेट किया गया थान में बिकॉज थाइमीन डीएनए के लिए यूनिक है हाइड्रोजन तो देखो सब जगह आएगा अगर मान लो आप बी सी हवा प्लांट को जो है वो हाइड्रोजन ये वाला दोगे वन एच वन हाइड्रोजन की जगह वन एच थ्री हाइड्रोजन दोगे तो हाइड्रोजन तो बहुत सारी जगह है लेकिन वो डीएनए पे जाके हिट करे ये कैसे कन्फर्म होगा तो उसके लिए आपको थाइमीन की हाइड्रोजन चेंज करनी पड़ेगी एडनीन ग्वानी यूरेसिल ये तो आपको आर में भी मिल जाएंगे और बाकी अगर और इन जनरल हाइड्रोजन दिया तो प्रोटीन में भी हाइड्रोजन है कार्बोहाइड्रेट में भी है लिपिड में भी है एंजाइम, सब जगह आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा तो वो हाइड्रोजन जो डीएनए की हो, वो कहा मिलेगी वो में मिलेगी वन एच थ्री टी डी आर इसको रेडियो लेबल्ड करके टेलर ने बीसीफ आवा को दिया और फिर जहां जहां ऑटो रेडियोग्राफी से रीड किया कि कैसे कैसे नए बनते रिजल्ट वही आया इसका रिजल्ट भी आपको जो मिलेगा वो सब सेमी कंजर्वेटिव है इन सबका रिजल्ट सेम है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बस तो आपको याद रखना है कि अगर प्रो में आता है तो आंसर क्या आएगा और अगर यू में आता है तो आंसर क्या आएगा तो ये दो आपकी बुक में दिए हुए अगर बुक में तीसरा नहीं दिया है लेकिन अगर इनको इंटरचेंज कर दें क्या ईकोलाई में हम टेलर वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं

सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है अब आता है कि डीएनए का रेप्लीकेशन होता क्या है डीएनए रेप्लीकेशन की रेप्लिकेशन। अब इस मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लीकेशन की मैकेनिज्म में सबसे पहले आपकी बुक में दे रखी है heading, और एंजाइम मतलब हमें डीएनए को रेप्लीकेट करने के लिए क्या क्या चाहिए और कौन कौन से एंजाइम चाहिए तो हैडिंग दे रखा है मशीनरी एंड द एंजाइम क्या क्या चीजें चाहिए आपको वो आप यहां से देखेंगे ना अब इसमें सबसे पहला है मेन एंजाइम डीएनए को रेप्लिकेट करने का जो मेन एंजाइम होता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इन शॉर्ट डीएनए पॉल लिखा जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए रेप्लीकेशन का सबसे मेन एंजाइम माना जाता है ना इट इज अ प्रिंसिपल एंजाइम

इस एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टी दी है कि जैसे सबसे पहले दिया है कि ये हाईली एफिशियंट है मतलब तो जब ये कॉपी करता है डीएनए से जब डीएनए बनाएगा तो इसकी एफिशियंसी बहुत ज्यादा है इट्स एन हाईली एंजाइम है ना जैसे अगर कहा जाए तो ई e. कोलाई का जो डीएनए है वो कितना है वो आपने लिखा था कि 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं ई e. कोलाई में होते हैं ना ई e. कोलाई के अंदर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखा था कि नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं 4.6 मिलियन है तो 4.6 मिलियन बेस पेयर को रेप्लिकेट कराने में यह एंजाइम कितना टाइम लेता है 18 मिनट का टाइम लेता है 18 मिनट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप डिवाइड करके निकालोगे तो एवरेज स्पीड अगर निकाली जाए डीएनए पॉलीमरेज की तो कितनी आएगी ये लगभग दो हजार बेस्पेयर पर सेकेंड आ जाएगी एक सेकंड में 2000 हजार बेस्पेयर कॉपी कर लेता है मतलब ए के सामने टी जी के सामने सी सी के सामने जी और टी के सामने ए इतना काम जो है वो एक सेकंड में 2000 हजार पेयर का ये कर देगा ये एंजाइम तो पूरा इकोलाई जो 4.6 मिलियन बेस पेयर है वो 18 मिनट में जो है वो कॉपी हो जाएंगे और इसमें गलती भी नहीं होती ऐसा नहीं कि जल्दी कर रहा है तो गलत हो जाए तो एक भी आएगी फिर मिस्टेक अगर होती भी है तो उसको ठीक करने का कुछ और तरीका है फिलहाल ये है कि ये हाईली एफिशियंट है और हाईली एक्ूरेट है हाई डिग्री ऑफ एक्सी डबल सी यू हाई डिग्री ऑफ एक्सी भी है ना तो ये भी आपको याद रखना है मतलब तो कोई गलती नहीं होगी अगर हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा आपको याद हो म्यूटेशन में कॉपी एर म्यूटेशन एक टर्म मैंने लिखा था स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में अपने आप अगर म्यूटेशन होते हैं तो कैसे होंगे नेचर में तो कॉपी एरर हो सकता है कॉपी करने में गलती हो सकती है होनी तो नहीं चाहिए बट फिर भी हो सकती है अगर हुई तो म्यूटेशन ही हो जाएगा तो वैसे तो ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ है बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसके हिसाब से ये म्यूटेशन का कॉज बन जाएगा है ना तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई हमारा मेन मेन एंजाइम एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज ठीक है और एंजाइम एवरेज स्पीड वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दीजिए ई कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर यानी टोटल डीएनए कितना है 4.6 मिलियन है तो 4.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर लिख दिया गया ये e. Coli के टोटल बेस पेयर है और e. कोलाई का डीएनए रेप्लीकेट होने में टाइम कितना लगता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वो टाइम लगता है मिनट 18 मिनट 18 को में बदलोगे तो सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर लो तो एटीन इंटू सिक्सटी सेकेंड लगेंगे फोर पॉइंट सिक्स मिलियन को कॉपी करने में तो एक सेकेंड में कितने पेयर आएंगे आप डिवाइड करके देख लो लगभग दो हजार पेयर आंसर आ जाएगा तो ई e. कोलाई को कॉपी करने की स्पीड कितनी है कि एक सेकंड में दो हजार बेस पेयर कॉपी कर देगा ये मीनिंग हो गया yes, sir. अब इस बेस इसके डीएनए पॉलीमरेज के अलावा कौन कौन से एंजाइम होते हैं अच्छा डीएनए पॉलीमरेज भी तीन अलग अलग टाइप का होता है पहले हम डीएनए पॉलीमरेज को ही पूरा कर लेते हैं और हम बात करें इन प्रोकैरियोट तो प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज तीन टाइप का होता है डीएनए पॉल वन डीएनए पॉल टू रोमन में लिखा जाता है एंड डीएनए पॉल थ्री इसमें से जो मेन रेप्लिकेशन करता है वो डीएनए पॉल थ्री करता है दिस इज मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम रेप्लिकेशन का जो मेन काम है वो किसका है मेन डीएनए को रेप्लिकेट करने में कौन सा आएगा डीएनए पॉलीमरेज थ्री आता है मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि डीएनए रेप्लीकेट कर रहा है तो एक्चुअली उसमें किससे कर रहा होगा डीएनए प्रूफ रीडिंग करता है और रिपेयर करता है इट्स प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर एंजाइम जैसे अभी हमने कहा कि कॉपी करने में अगर कोई गलती हुई तो उसको ठीक करना यानी रिपेयर करना और प्रूफ रीडिंग करना जैसे हम टाइप करते हैं तो स्पेल चेकर चला देते हैं कि चलो एक बार प्रूफ रीड करा लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई तो वैसे तो मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए बट मेरे ऊपर भी कोई टीचर होता है जो ये देखता है कि सर ने ठीक पढ़ाया क्या तो वो जो देखेगा वो प्रूफ रीडिंग वाला टीचर बन जाएगा और अगर कुछ गलत पढ़ाया होगा तो मैंने वो वो जाके सही कर देगा उसको तो वो रिपेयर भी कर देगा उतने वीडियो को काट देगा या किसी और चीज से रिप्लेस कर देगा तो प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर भी डीएनए में होती है एक्चुअली इसके बाद अगर कोई गलती छूट गई तो म्यूटेशन होगा नेचर ने इतना इंतजाम किया हुआ है कि रेप्लीकेशन हो जाए रेप्लीकेशन में अगर कोई मिस्टेक पॉल थ्री से हुई है तो पॉल वन आके उसको प्रूफ रीड करके अगर कोई मिस्टेक है तो उसे काट के और सही वाला ला के उसको रिपेयर कर देगा इसके बाद भी अगर डीएनए पॉल वन से भी कोई गलती हो गई छूट गया कुछ तो म्यूटेशन हो ही जाएगा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जहां पे पॉल वन की जगह पॉल टू से ये काम होता है लेकिन उसको हम बोलते हैं माइनर प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर एंजाइम तो प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर पॉल वन एंड पॉल टू मिलके कर लेंगे मेजर और माइनर मोस्ट ऑफ द केस में या फ्यू केसेस में पॉल थ्री का काम मेन रेप्लीकेशन का होता है तो यू में प्रो कैरियॉर्ट में डीएनए पॉलीमरीज तीन टाइप का होता है इस पूरे चैप्टर में यू की चीजें बहुत कम आएंगी बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो यू के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पांच अलग अलग टाइप का होता है फाइव टाइप्स होते हैं लेकिन आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है सिर्फ ये लाइन याद कर लीजिए सर प्रो में तीन और यू कैरियॉट में पांच बोलो डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरियो का काम यू कैरियोट्स में क्या होता है यू कैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज टू होगा ही नहीं उन पांचों के नाम भी अलग है वन टू थ्री नहीं है तो वन टू थ्री लिखा हुआ है तो प्रोकैरियोट ही होगा ओके सर है ना उनके नाम एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज अल्फा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इटा ये पांच हैं यूकैरियोट के तो अगर कहीं पे पॉल वन पॉल टू पॉल थ्री लिखा है तो हंड्रेड एंड वन परसेंट वो प्रोकैरियोट का ही है क्योंकि यू कैरियोट में पॉल वन पॉल टू पॉल थ्री वर्ड यूज ही नहीं होते यू में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज बीटा गामा डेल्टा ईटा ऐसे नाम दिए गए ओके सर तो ये बात हो गई हमारे डीएनए पॉलीमरेज़ की फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और एंजाइम की जरूरत हमें पड़ेगी कुछ अदर एंजाइम्स भी हैं। अदर एंजाइम्स कौन कौन से हैं हमारे पास कौन कौन से चाहिए एक एंजाइम हमें चाहिए डीएनए को जब रेप्लीकेट करना होता है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोलना होता है क्योंकि डीएनए तो है स्प्रिंग मोड़ा हुआ है उसको उल्टा घुमाया जाता है सो so दैट एक सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर बन जाए ऐसा करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो डीएनए हेलिकेज या डीएनए अनवाइंडेज चाहिए होता है अनवाइंड करने के लिए एंजाइम चाहिए और एक एंजाइम है डीएनए टोपो आइसोमेरेज तो डीएनए हेलिकेज और डीएनए टोपो आइसोमेरेज इन दोनों की जगह पे ये दोनों काम एक करेगा डीएनए गाइरेज़ ये प्रो यूकैरियोट के हैं दोनों और डीएनए गाइरेज़ दोनों काम प्रोकैरियोट में कर देगा तो टोपो आइसोमरेज का काम होता है निक बनाना कि डीएनए को जब रेप्लीकेट करेंगे ना तो कहां से रेप्लीकेट करेंगे डीएनए तो बहुत बड़ा है जहां से मर्जी से जहां रेप्लीकेट करना शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता तो जो डीएनए के रेप्लीकेशन का पॉइंट होता है अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे उस जगह पे जाके एक गैप क्रिएट करना होता है उस जगह पे जाके काटना होता है एक कट मारना होता है तो कट मारने का काम डीएनए टोपो आइसोमरेज करता है और कट मारने से पहले डीएनए को उल्टा घुमाना होता है सो so देट वो अनवाइंड हो जाए तो ये दो काम दो एंजाइम करते हैं यू में प्रो में ये दोनों काम एक ही एंजाइम से हो जाते हैं उस एंजाइम का नाम है डीएनए गायरेज जहां जहां प्रो कैरियॉट यू आ रहा है वहां वहां पे याद रखना है बाकी मोस्ट ऑफ द डिटेल आपकी बुक में प्रो की ही आएगी इसके अलावा कौन से और चाहिए एंजाइम इसके अलावा हमें चाहिए एक एंजाइम प्राइमेज है प्राइमेज एंजाइम चाहिए फॉर सिंथेसिस ऑफ आर प्राइमर सिंथेसिस ऑफ आर प्राइमर अब डीएनए के रेप्लीकेशन में आर के प्राइमर की जरूरत क्यों है वो भी अभी हम देखेंगे इसके अलावा फिर हमें फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है डीएनए लाइगेज लाइगेज का मतलब है जोड़ना ये सब लाइगेज हाँ हा, ये कॉमन है ज्वाइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स को जैपनीज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं ओकाजाकी जैपनीज मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट का नाम है फ्रेगमेंट्स तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेस करता है तो ये सारे एंजाइम की जरूरत टाइम टू टाइम पे पड़ेगी लाइगेस प्राइमेस ये दोनों में कॉमन है प्रो कैरियॉट में गाइरेज रिप्लेस बाई अन ऐसे डीएनए पॉलीमरिय प्रोकैरियोट में वन टू थ्री है और यू कैरियॉट में इनकी जगह पांच अलग अलग टाइप के होते हैं हालांकि यू का आपको कुछ पढ़ना नहीं है ये तो सिर्फ एंजाइम टू एंजाइम हो गया और क्या क्या चाहिए डीएनए के रेप्लीकेशन में और मशीनरी क्या है टर्न कर दो चलो और क्या चाहिए डीएनए बनाना है तो डीएनए आपने लिखा कि वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन है तो एक अगर डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है तो पॉलीमर किसी मोनोमर का होगा तो हमें मोनोमर चाहिए डीएनए के मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं डीएनए के मोनोमर्स क्या लाएंगे डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियो है इसका मतलब फास्फेट लगा हुआ है यहां आप लिखते स्टार्टिंग में समझाया था आपको मैंने डी फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट एक ही बात है अगर न्यूक्लियोसाइड है तो फॉस्फेट लिखोगे और जब किसी न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनी जाता है अब डीएनए में कौन कौन से होते हैं डी ए होगा डी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी डी ऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट है डी ऑक्सी साइटोसिन है डी ऑक्सी ट्राइफॉस्फेट है स्मॉल डी फॉर डी ऑक्सी ए जो चार नाइट्रोजेनस बेस हैं उनके ट्राइफॉस्फेट्स वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे होने की वजह से क्या होगा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे तो जो मोनोमर है वो डुअल होते हैं इनके दो काम है तो जो डी ऑक्सीड वो न्यूक्लियोटाइड है वो दो काम करते हैं क्या काम करते हैं एक तो मोनोमर का काम करेंगे और दूसरा जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड एनर्जी बिकॉज hmm. जो एनर्जी होती है वो किस में होती है ट्राई फॉस्टेट में जो दो फॉस्टफेट लास्ट के होते हैं जैसे ए से एडीपी बनाते हो वैसे डी से डी बन जाएगा या ए से एम बनता है मोनो तो डी से डी बन जाएगा है ना स्मॉल डी लिखने का मतलब डी है और वो स्टार्टिंग में लिखा था कि एवरी टाइम वी हैव टू मैं स्मॉल डी बिकॉज अगर डीएनए है तो डी वर्ड आपको बोलना भी पड़ेगा लिखना भी पड़ेगा अगर नहीं लिखोगे तो आर का हो जाएगा तो एटीपी बेसिकली मान लीजिए अगर है या जी ए है तो ये दो काम कर रहा है इसमें बॉन्ड में एनर्जी है तो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए दो फॉस्फेट टर्मिनल वाले निकल जाएंगे एनर्जी आ जाएगी जो मोनोफास्फेट बचेगा वो मोनोफास्फेट एज ए मोनोमर डीएनए को रेप्लीकेट करने में असिस्ट कर देगा तो जो ये एनर्जी पार्टिकल्स ये जो डी ऑक्सीडाइड वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये दोनों काम यहाँ पे कर रहे हैं ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साइड बाय साइड ये मोनोमर का भी काम करते हैं ना? ये बात हो गई अब क्या चाहिए अब डीएनए का रेप्लीकेशन शुरू कहां से होता है जहां से भी डीएनए का रेप्लीकेशन शुरू होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओरी लिखा जाता है साइट ओ आर साइट ओरी साइट का मतलब क्या है वो जगह जहां से डीएनए का रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा है ना तो ये एक डेफिनेट रीजन है फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लीकेशन स्टार्ट्स या रेप्लीकेशन स्टार्ट्स, एक फिक्स पॉइंट होता है वहीं से होगा आपने बायोटेक पढ़ लिया जोलॉजी में बायोटेक पढ़ा होगा तो बायोटेक में प्लाजमेट का डायग्राम बना हुआ है प्लाज्मेट टीबीआर थ्री टू टू का डायग्राम बना हुआ है वहां पे भी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो उसमें भी ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओरिसाइट बना रखा है तो अगर कोई भी डीएनए है चाहे वो बैक्टीरिया का हो या ह्यूमन बॉडी का हो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होगा ही होगा बिना ओरिसाइट के डीएनए रेप्लीकेट नहीं कर सकता इसीलिए मतलब ये क्वेश्चन वहां का है बायोटेक का कि हमें वैक्टर की जरूरत क्यों है हम डिजायर्ड जीन को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में डाल दें तो भी तो वो एक्सप्रेस कर ही जाएगा ना हम क्या करते हैं हम जो डिजायर्ड जीन है उस जीन को किसी वेक्टर में डालते हैं और वेक्टर को फिर हम साइटोप्लाज्म में डालते हैं तो हमें वो जीन का प्रोडक्ट मिलता है तो वेक्टर की जरूरत क्या है वेक्टर जैसे प्लाज्मेट एक वेक्टर का, का काम करता है फिर बीएसी BAC, बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाई ए सी ईस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है एग्रो बैक्टीरियम भी आपने एज ए वैक्टर पढ़ा होगा बैक्टीरियो फेस को भी एज ए यूज किया जाता है तो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में या आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट आर टेक्नोलॉजी में वैक्टर का का रोल रोल क्या है वैक्टर का रोल के ये है केवल कि इट हैज द दीसाइट हमारा डिजायर्ड जीन में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन की साइट नहीं है इसीलिए वो मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकता कॉपीज नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ता है हमें अपने जीन को

ओरिसाइट होती है यूकैरियोट के अंदर डीएनए बहुत बड़ा है तो वी हैव मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स अगेन ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कि प्रोकैरियोट में एक और यूकैरियोट में बहुत सारी रेप्लिकेशन की साइट होती है समझ फिर हम होस्ट में वो जीन डाल दे जिसमें है तो तो हमें वेक्टर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना मतलब तब वो नहीं पड़े बना कहां से लाओगे हो ही नहीं सकती यस सर। आप जैसे आपकी बुक में इंसुलिन का दे रखा है कि हमने एक पेप्टाइड की जरूरत नहीं थी तो हमने सी पेप्टाइड बनाया नहीं और बी हमने आर्टिफिशियल जीन बनाए और दोनों से ए और बी पेप्टाइड बन जाएंगे दोनों को जोड़ देंगे तो फंक्शनल इंसुलिन बन जाएगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे केस में जो आर्टिफिशियल जीन बनेगी इंसुलिन की वो बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन की साइट बनेगी तो उसको रेप्लीकेट कराने के लिए उसको मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको कोई ना कोई वैक्टर की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी है ना साइट वाला हम नहीं बनाते और जरूरत भी नहीं है बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा है इससे अच्छा तो प्लाजमा ले लो बना बनाया ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है आपको बीच में डीन डालनी है बस बीच में डाल दीजिए का डीएनए करेगा तो साइड बाई साइड वो जीन भी रेप्लीकेट कर जाएगा जो हम करवाना चाहते हैं और क्या चाहिए हमें और चाहिए फिर हमें लास्ट में टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड हम किससे कॉपी करेंगे अब डीएनए में जो पेरेंटल डीएनए है आपने सेमी कंजर्वेटिव के हिसाब से देखा कि दोनों डीएनए पे दो नए डीएनए बनते हैं मतलब तो चार डीएनए के स्टैंड हो जाएंगे दो पेरेंटल पे दो नए बन गए यानी डीएनए के दोनों स्टैंड बोथ द पेरेंटल डीएनए स्टैंड वर्से टेम्पलेट डीएनए दोनों टेम्पलेट डीएनए का काम करते हैं है ना तो टेम्पलेट डीएनए स्टैंड दोनों आ जाएंगे फिर एक लास्ट आएगा रेप्लीकेशन फॉर्क रेप्लिकेशन फॉर्क अब ये कैसे बनेगी इसका डायग्राम बुक में बना हुआ है दो लाइन से दिखाया गया है आपको कि जैसे है क्या कि मैं इसको ऐसे बनाता हूं इधर मेरे पास जगह है लैंडस्केप में ये डीएनए खोल दिए डीएनए के दोनों स्टैंड खोल दिए खोले कैसे इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो कि डीएनए हेलिकली क्वाइल्ड होगा ना ये डीएनए होगा एक स्टैंड ये है बस मैंने खोल दिया है दूसरा स्टैंड ये डीएनए का है ये भी मैंने खोल दिया खुल गए दोनों अब इसमें से अगर ये थ्री है तो ये लाइन जाएगी ये वाली तो ये फाइव प्राइम हुआ अगर ये फाइव प्राइम है तो फिर डेफिनेटली ये थ्री प्राइम एंटी पैरल होंगे। अब जब ये आप खोलोगे तो खोलने के बाद क्या होगा ये दूर दूर हो जाएंगे लाइक ऐसे बुक में डायग्राम बनाए यानी तो ये फाइव प्राइम आपका फाइव प्राइम यहां पहुंच गया ये थ्री प्राइम आपका ये हो गया मान लीजिए अगर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का पॉइंट होता ये ये पॉइंट है तो यहीं से डीएनए दोनों जो है वो खुलने शुरू होंगे जैसे मान लीजिए कोई एक रस्सी है अब आपको रस्सी के दोनों किनारे आपने बांध दिए काट लगा दी रस्सी में तीन हिस्से होते हैं तीन ट्रिपल हेलिक्स होता है जो मार्केट में रस्सी आती है वो तीन रस्सियां आपस में लिपटी होती हैं तो ट्रिपल हेलिक्स होता है ये डबल हेलिक्स है जो आपके सामने बना है या लड़कियां हैं चोटी बनाती हैं तो भी बालों को तीन हिस्सों में करके गूंथ लेती हैं तो दैट इज काइंड ऑफ ट्रिपल हेलिक्स आप मान लीजिए कि आपने बालों को दो हिस्से में किया और एक के अंदर एक करके कॉइल कर दिया तो डबल हैलिक बन जाएगा अब चोटी में नीचे तो आपने रबड़ बैंड लगा रखा है यानी बांध रखा है अब खुलेगी कैसे तो मैं क्या करूंगा कि बीच में फिंगर डाल के बाल को अलग करने की कोशिश करूंगा ऐसे इमेजिन करिए कि रस्सी में आपने बीच में पेन को घुसेड़ा और फिर पेन को पकड़ के रस्सी में पाइप फोर्स खींचना शुरू किया तो जहां पे आप पेन को अंदर इंसर्ट कर रहे हैं जहां से रस्सी उल्टी खुलना शुरू होगी वो पॉइंट एक्चुअली क्या कहलाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन कहलाता है तो जो ये स्टार है वो क्या है ये मान लीजिए ओरी साइट है कि जी डीएनए को यहीं से खोलना है तो यहां पे कौन सा एंजाइम आया होगा सीरीज में टोपो आइसोमरेज आया होगा और इसने इस साइड पे आके इसको निक क्रिएट किया निक क्रिएट करने का मतलब है यहां पे जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको वो तोड़ देगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा तो यहां से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीस्टेबलाइज हो जाएगा और ये खुलेगा इसके बाद इसको उल्टा घुमाया जाएगा रस्सी में पेन घुसेड़ के जब आप पेन को खींचोगे ना तो रस्सी अनकॉइल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो तो वो उल्टी घूमना शुरू हो जाएगी अनकॉइल होगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वो अनवाइंडेज एंजाइम चाहिए तो ये अनवाइंड करने के लिए चाहिए इसको तो अनवाइंडेज एंजाइम आएगा अब ये खुला रहेगा तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लीकेशन फॉर्क

और अनवाइंड करना डीएनए अनवाइंडेज या हेलीकेस का काम का है अगर यू कैरियॉर्ट का है तो दोनों अलग अलग होंगे में एक ही एंजाइम दोनों काम कर देगा दैट इज डीएनए ठीक है तो ये रेप्लीकेशन फॉर कहलाती है अब ये दोनों स्टैंड अलग हो गए तो ये भी टेम्पलेट है इसको इसकी पोलैरिटी देखोगे इस वाले स्टैंड की तो क्या होगी अगर मान लीजिए टिप पे यहाँ पे आपने फाइव प्राइम लिखा हुआ है तो ये थ्री प्राइम रहा होगा ऐसे जो नीचे वाला स्टैंड है ये वाला भी 5 अगर इधर है 3 इधर है तो ये 5 रहा होगा तभी तो एंटी पैरेलल आएंगे ये 3 टू 5 हो गया और नीचे वाला 5 टू 3 हो गया ये दोनों स्टैंड टेंपलेट डीएनए का काम का का कर लेंगे दोनों ही जो है वो टेंपलेट के तरीके से काम कर सकते हैं इन दोनों पे ही नए डीएनए बन सकते हैं अब नए डीएनए कौन बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन है मैं वहीं लिख दे रहा हूं बैक में जाके कि डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन है कि वो हमेशा फाइव टू थ्री डायरेक्शन में ही वर्क करेगा है ना इट ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन वर्क टू थ्री डायरेक्शन मतलब डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बनाएगा तो हमेशा फाइव टू थ्री डायरेक्शन में ही बनाएगा फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन में इसका मतलब ये थ्री टू फाइव है और डीएनए एंटी पैरल होगा अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को इधर से बनाऊं इधर से तो 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 ये 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 हो 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 जाएगा और ये 3 हो जाएगा और क्योंकि DNA polymerase तो 5 to 3 ही वर्क करता है तो ये दोनों तो गए यानी कि ऐसा नहीं हो सकता अगर आप यहाँ से डीएनए को ऐसे बढ़ाओगे तो नहीं हो सकता अगर आपने इसमें यह काम किया होता कि यहाँ पे मान लीजिए डीएनए को आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया होता डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से डीएनए को रन कर रहा है तो ये फाइव प्राइम हुआ और ये थ्री प्राइम हुआ अब ग्रीन लाइन और रेड लाइन एक दूसरे के एंटी पैरल है फाइव टू थ्री एंड थ्री टू फाइव कि इस डायरेक्शन में तो डीएनए पॉलीमेरेज ऐसे काम करेगा और जहां तक ऊपर वाले स्टैंड की बात है उस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज को कैसे काम करना होगा इसको काम करना होगा उल्टी तरीके से उल्टा तरीका कैसे आएगा इसको काम करने के लिए आपको इधर से देखना पड़ेगा कि यहां पे ये इस तरीके से काम करेगा ऐसे अब ये फाइव टू थ्री आएगा और फाइव टू थ्री आएगा तो ये एंटी पैरल हो गए ये एंटी पैरल हो गए इस तरीके से दो डीएनए के स्टैंड आप बनाने वाले हो है ना क्लियर तो ये हमारा रेप्लीकेशन फार्क हो गया सर टेम्पलेट डीएनए क्या है ये रेड लाइन जो है जो रेड है वो टेम्पलेट है जिससे इंफॉर्मेशन कॉपी की जाएगी ये टेम्पलेट है एक और नीचे वाला जो है वो भी टेम्पलेट है दोनों डीएनए के स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाएगा जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा होता है ए ए टी टी सी 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 जी पी तो तो होता ही नहीं है ऐसे तो इसको कॉपी करके यहां जो बनाया जाएगा वो इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ए के सामने टी टी के सामने ए सी के सामने जी जी के सामने सी ए के सामने टी टी के सामने ए सी के सामने जी सी के सामने जी फिर इन सबको जोड़ दिया जाएगा और जब जोड़ा जाएगा तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा ऐसे अब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है वो एक साथ एक टाइम पे नहीं होती जैसे जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये यहां पर डीएनए पॉलीमरेज आया डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए पॉलीमरेज कौन सा मैं डिटेल में लिखू तो थ्री तो डीएनए पॉलीमरेज थ्री फाइव टू थ्री डायरेक्शन में वर्क करेगा वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स लाता रहेगा और बॉन्ड बना के इसको इलॉन्गेट करता रहेगा तो जो ये वाला स्टैंड है 5 टू 3 टेम्पलेट, जिसपे पे 5 टू 3 आपने डीएनए बनाया तो ये जो स्टैंड है ये कंटीन्यूअस सिंथेसिस को शो कर रहा है तो नीचे वाला कैसा होगा कंटीन्यूअस सिंथेसिस को शो करेगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में खुलेगा जैसे जैसे ये खुलता जाएगा ये ग्रीन लाइन ये एरो है ना ये आगे बढ़ती जाएगी तो इस नीचे वाले जो रेड लाइन है इस पे जो ग्रीन लाइन आप बनाओगे वो डायरेक्टली बनती ही चली जाएगी लेकिन ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है ऊपर वाला टुकड़ों में बनेगा टुकड़ों में क्यों बनेगा क्योंकि टुकड़ों में बनाने में इसलिए रीजन है कि जितना खुलेगा उतना बनेगा अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये इतना खुला तो जी यहां से यहाँ कॉपी कर दिया गया फिर यहां से यहां कॉपी कर दिया गया फिर यहां से यहां कॉपी कर दिया एवरी टाइम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम भाई शुरू में डीएनए ऐसे था तो इतना बना दिया गया ऊपर वाले को इमेजिन कर लो फिर ये और खुल गया अब ये ऐसे हो गया तो इतना तो बन चुका है और ये वाला तो ऐसे ही एक्सटेंड कर जाएगा ये गैप आ गया तो अब इतना बनेगा दोबारा से इतना तो पहले बना था ये पहली बार में बना ये दूसरी बार में बना अब ये और खुल गया तो अब ये ऐसे हो गया तो ये वाला तो कुछ नहीं है पहली बार में इतना दूसरी बार में इतना तीसरी बार में इतना ये तो एक्सटेंड कर जाएगा या पहली बार में इतना बना दूसरी बार में इतना बना अब ये गैप आ गया ये फिर तीसरी बार में बनेगा क्योंकि ये उल्टा बन रहा है ये पीछे से खुलता जा रहा है तो जितना ऐसा खुल के खट्टा होगा उतने को बनाया जाएगा तो एक स्टैंड तो ऐसा है जिसपे डी एन ए कॉन्टिन्यूस बन रहा है एक स्टैंड ऐसा है जिसपे डीएनए डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस को शो कर रहा है ये सिंथेसिस वाला है और नीचे वाला जो है वो सिंथेसिस वाला कॉन्टिन्यूसलेट डीएनए ये जो सिंथेसिस वाला डीएनए है ना इसमें जो फ्रेगमेंट बनते हैं इन्हीं को आप बोलते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट जिनको बाद में जोड़ा जाएगा पहले नहीं जोड़ते इनको लास्ट में जोड़ दिया जाएगा तब दोनों डीएनए बन जाएंगे और फिर क्वाइल होके से हिसाब से डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड पैरेंटल एक स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म यानी लाइन ऐसे आएगा सर ये डिस्कटिन्यूस हो रहा क्यों रहे क्योंकि पीछे से खुल रहा है ना आपने इतना सेक्शन बनाया आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा आपने इतना बनाया तो नीचे तो इकट्ठा हो गया ये बन गया अब डीएनए यहाँ खुला है आगे नहीं खुला है यहाँ खुला है पीछे खुला है पीछे खुला है तो इतना तो बन गया नीचे वाली लाइन तो एक्सटेंड ही हो जाएगी उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ऊपर वाली तो यहाँ से यहाँ बन चुकी है अब जो बीच का एरिया है वो बनेगा तो वो टुकड़ा अलग से बनेगा फिर ये खुल के यहाँ तक पहुंच गया तो नीचे वाली को तो और एक्सटेंड कर लिया ये बन गया ये बन गया बीच का ऐसा फिर छूट गया तो फिर वो बनेगा फिर ये और खुलेगा तो फिर ये पीछे बनेगा ऊपर वाले स्टैंड पे जो टुकड़े बन रहे हैं वो पीछे की तरफ बन रहे हैं जितना खुलता जा रहा है उतना आगे नहीं खुल रहा खुला आपके लेफ्ट साइड से रहा है डायग्राम में लेफ्ट साइड में जो एरो बना हुआ है ग्रीन कलर का ये तो इस डायरेक्शन में डीएनए अनकॉइल हो रहा है अगर इस डायरेक्शन में डीएनए अनकॉइल हो रहा है तो बार बार आपके ये टुकड़े बनेंगे ये बन जाएगा कुछ देर बाद ये बन जाएगा उसके बाद ये बन जाएगा लेकिन जब इधर खुलेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है ये जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है ये तो हमेशा एक्सटेंड ही करती जाएगी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको तो इसी डायरेक्शन में जाना है तो ये तो हमेशा एक्सटेंड करेगी तो नीचे वाले पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है ऊपर वाले तो जो है वो टुकड़ों में बन रहा है ये मीनिंग है ऊपर वाला टुकड़ों में बन रहा है तो इसलिए उसे ओकाजा की उनको बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा जोड़ दिया जाएगा अब जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि प्राइमर की जरूरत क्या होती है प्राइमर की जरूरत एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज थ्री को पड़ती है यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज ही है यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज थ्री आएगा इसको बनाने के लिए भी पॉलीमरेज थ्री आएगा इसको बनाने के लिए भी सेम एंजाइम है यहाँ पे भी सेम एंजाइम है यहाँ भी पॉलीमरेज थ्री यहाँ भी यहाँ पे जितने फ्रेगमेंट है ना उतनी बार पॉलीमरेज थ्री आएगा यहाँ पे एक ही बार आएगा और वो एक्सटेंड करता चला जाएगा तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस है ये है है ये है, ये जल्दी बन जाएगा तो इसे बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड क्योंकि ये लीड करेगा ये डिसकॉन्टिन्यूअस है पीछे रह जाएगा तो ये क्या लाएगा लैगिंग स्ट्रैंड तो ये लैग कर जाएगा तो लीडिंग एंड लैगिंग का मतलब है वो डीएनए के स्ट्रैंड जिन पे कंटीन्यूअस और डिस्कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रही हो उन्हें रेस्पेक्टिवली लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है रही बात इसकी कि हमारे पास जो ओका ये आरएनए का प्राइमर है उसका क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रॉब्लम है कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज काम तो कर देगा बट ये जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है आपको तो इंपॉर्टेंट ये कि स्टार्टिंग कौन करेगा ये रेड लाइन यहाँ से शुरू है जहां पे मैंने ब्लू डॉट बनाया और ये इसके सामने है है तो यहां पे green से पहले एक blue section आएगा छोटा सा ये blue section किसका है? ये किसका का है ये RNA primer है जिसे primase enzyme ने बनाया उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज केवल एक्सटेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज नेवर स्टार्ट द रिएक्शन इट कैन ओनली एक्सटेंड द प्रोसेस है ना तो शुरू के जो 10-12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कॉपी कौन करता है वो प्राइमेज एंजाइम काम करता है प्राइमेज एंजाइम जब कॉपी करेगा तो डीएनए की जगह उतने छोटे से सेक्शन पे क्या बनाएगा आरएनए बना देगा बाद में फिर वो डीएनए पॉलीमरेज थ्री आके उसको एक्सटेंड कर लेगा जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो ये जो ब्लू वाला सेक्शन है आर प्राइमर ये डीएनए पॉलीमरेज वन जो प्रूफ रीड एंड रिपेयर वाला था वो आके काट के हटा देगा और इसकी जगह डीएनए ले आएगा डीएनए ले आएगा तो फिर पूरा का पूरा डीएनए बन जाएगा तो मान लो कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाई वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते है ना पहले मैं छोटा था तो मुझे साइकिल चलाने में साइकिल पे मैं बैठ के साइकिल में पैडल नहीं चला सकता था कोई मुझे मैं बैठ गया किसी ने मुझे सपोर्ट दे लिया और उसके बाद थोड़ा सा मुझे साइकिल को पुश कर दिया एक बार मैं साइकिल की रिंग्स चलाने लगा फिर मैं अभी स्पीड में चलाता चला, तो चला जाऊंगा और अगर गलती से ब्रेक लग गए तो साइकिल रुक जाएगी मैं नीचे आ जाऊंगा और फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर नहीं पाऊंगा फिर मुझे कोई सपोर्ट चाहिए तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते आपको स्टार्ट करके कोई देगा फिर आप उसको स्पीड कितनी भी मेंटेन कर लो वो कोई इश्यू नहीं है तो डीएनए पॉलीमरियस की केमिस्ट्री है आप बहुत हायर क्लासेस में मॉलिकुलर लेवल पे पढ़ो आप जेनेटिक्स को तो वहां पर डीएनए पॉलीमरियस के स्ट्रक्चर वगैरह जहां पे आते हैं वहां ये बात समझा जाती है कि क्यों डीएनए पॉलीमरेज थ्री जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता जो पहला बेस रेड लाइन पे आएगा, उसको लेके ले और वो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड तक हो डीएनए पॉलीमरेज थ्री उसको कॉपी करता जाएगा जब ये सारा काम हो जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज वन आएगा उस ब्लू वाले सेक्शन को काट के अलग कर देगा

ठीक है कोई डाउट नो सर सर ये फाइव टू थ्री वाली चीज समझ नहीं आई मुझे एक बार कौन सी ऊपर वाली है नहीं फाइव टू थ्री तो दोनों तरफ है ग्रीन भी है और रेड भी है सर मतलब जैसे आपने इसमें लिख रखा है ना कि ये थर्ड एंड है और ऊपर वाली से फिफ्थ एंड है पर आपने जैसे एरो की डायरेक्शन बनाई ये फाइव टू थ्री तो सर वो सर चीज समझ नहीं आई देखो फिर से देख लो अब आप अपनी बुक के हिसाब से बनाओगे तो सीधा सीधा हमने पहले रेड कलर लिया था जैसे मान लो ये डीएनए खोल दिया मैंने है ना एक बार फिर से देख लो ये डीएनए ओपन हो गया अब एक थ्री होगा तो एक फाइव होगा इधर से फाइव होगा तो इधर से थ्री आएगा है ना अभी जितना हिस्सा खुला है ये थ्री उठा के मैं यहाँ लिख दू तब भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ये फाइव यहाँ लिख दू कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि तो इधर फिर जो है वो यहाँ पे थ्री आ जाएगा इधर यहाँ पे जो है वो एंड एंड टू ना इसके टुकड़े भी कर दोगे तो टुकड़े थ्री टू फाइव ही रहेंगे ना नीचे वाले के आपने टुकड़े कर दिए तब भी वो टू 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 और फाइव टू थ्री तो ये तो आपके पैरेंटल डीएनए हो गए इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब अब मान लीजिए यहाँ पे गैप क्रिएट किया तो ये गैप किसने बनाया निक क्रिएशन कहलाता है एनआईसी के निक क्रिएशन है और निक क्रिएट करने का काम किसने किया प्रो है तो निक क्रिएशन और इसको अनवाइंड करना इसको उल्टा घुमाना तो यह काम जो है वो अनवाइंड करना है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए ये दोनों काम किसने किए ये दोनों काम एक ही एंजाइम ने किए दैट इज डीएनए गाइरेज ठीक प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम से काम हो जाते हैं अब यहाँ पे कुछ और प्रोटीन भी होती हैं बुक में मिसिंग था यहाँ पे कुछ प्रोटीन होती हैं इन्हें एस एस बी बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करती हैं तो ये सिंगल स्ट्रैंड एस एस बी प्रोटीन कहलाती है जब आप सिंगल स्ट्रैंड से कोई प्रोटीन यानी कोई मॉलिक्यूल बाइंड कर देंगे तो किसी भी केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और जो ये वाई वाला जो चौड़ा वाला स्ट्रक्चर है राइट साइड वाला ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो ये थोड़ी देर के लिए खुला रहेगा यही पर्पस है इसी सबको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क नेक क्रिएट करना अनवाइंड करना सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का के बाइंड करना ये इसको टेम्पोरेरी वाई शेप में रखेगा और मीनवाइल डीएनए की कॉपी बना दी जाएगी अब डीएनए की कॉपी कौन बनाता है डीएनए पॉलीमरेज बनाता है और डीएनए पॉलीमरेज की एक मजबूरी है कि वो एक ही रास्ते पे चलेगा और वो रास्ता प्राइम प्राइम होना चाहिए। आपने ये भी पहले पढ़ा रखा है कि डीएनए के दोनों एंटी होते ऊपर तो वाले माने कि हम ऐसे लो कुछ बना देंगे ये 5 होगा और ये थ्री प्राइम होगा तो ये यहां पे थ्री है, है और ये फाइव और थ्री एंटी पैरल हो जाएंगे यानी ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे ऐसा बनाया जा सकता है बट क्या नीचे वाले पे आप ऐसा बना सकते हो नीचे वाला भी आपने कहा कि सर हम फाइव टू थ्री बनाएंगे तो ये तो थ्री और थ्री हो गए एक ही एंड ये फाइव और फाइव एक ही पे हो गए तो ये तो पैरल हो गए पैरल हो गए यानी कि नीचे वाले पे नहीं बना सकते नीचे वाले पे आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे इधर को एरो रखना पड़ेगा ये फाइव रखोगे ये थ्री रखोगे तो फाइव और थ्री एंटी पैरल होंगे गए थ्री और फाइव एंटी पैरल होंगे क्योंकि डीएनए एंटी पैरल ही होते हैं तो होगा कैसे अब इसको मैं कलर चेंज करके रब करके कर देता हूँ इस बारे में मैंने उल्टा कर दिया है नीचे वाले में आ जाएंगे ऊपर वाले में कॉन्टिन्यूस उससे फर्क नहीं पड़ता आपको पोलैरिटी हमेशा याद रखनी है पूरी मालिक्योर बायोलॉजी में फाइव टू थ्री थ्री टू फाइव पचासों बार आएगा तो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट अब यहाँ पे क्या होगा हमने पढ़ा कि आर प्राइमर के बिना काम नहीं स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर का प्राइमर आएगा तो ये हो गया हमारा आर प्राइमर एंजाइम उसके बाद यहां पे जो है वो क्या है पे आएगा यहाँ थ्री क्या करेगा ये यहां से इसको रीड करना शुरू करेगा और कॉन्टिन्यूसली ये काम होता रहेगा तो ये फाइव प्राइम हो गया और ये थ्री प्राइम हो गया ऐसे ठीक है इस तरीके से अब आप अब... ऊपर ही होगा ना हाँ अगर हम इधर खोलेंगे तो अगर मान लीजिए हम इधर से खोल रहे हैं तो आप नीचे कर लीजिए आपको पोलरिटी याद रखनी है कि फाइव टू थ्री रखना है फाइव टू थ्री ही सिंथेसिस होगी क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला थ्री टू फाइव हो नीचे वाला फाइव टू थ्री हो ऐसा तो कोई डायग्राम है ही नहीं पीछे वाले में मैंने क्या बनाया है पीछे वाले मैंने ऊपर थ्री टू फाइव लिया है नीचे फाइव टू थ्री लिया है इस बारे में भी मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है स्ट्रक्चर सर ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसका कोई नेम है सर बस यही एसएसबी कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं ओके okay, सर बस बाकी डायग्राम तो वही आएगा निकल के तो पीछे आपने बनाया यही आएगा एक तरफ कंटीन्यूअस आएगी एक तरफ डिस्कंटीन्यूअस आएगी दोबारा बनाने में और टाइम लगेगा डायग्राम तो यही एस एस बी भी दोनों साइड में होता है दोनों साइड में 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 होता है है क्योंकि डायग्राम इतना डिटेल में, में है ही नहीं आप पढ़ोगे तो बस आपको पढ़ के बात समझ में आ जाएगी कि, कि किसने कैसे काम किया होगा एनसीआरटी ने केवल मशीनरी और एंजाइम दिया हुआ है कि डीएनए एन करने में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है और इतना लिखा है कि एक तरफ कॉन्टिन्यूस और एक तरफ डिस्कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है जिधर डिस्कॉन्टिन्यूस है उधर फ्रेगमेंट बनेंगे दो कॉल्ड की फ्रेगमेंट उनको डीएनए लाइगेज एंजाइम बाद में लास्ट में जाकर जोड़ देगा एक तरफ कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस होगी वहां पर लाइगेज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी डीएनए प्राइमर का रोल ये है कि वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं आर प्राइमर का कि डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं कर सकता तो वो रिएक्शन को स्टार्ट करके दे देगा यही सारी बातें बस आपको इसमें याद रखनी है बाकी डीएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी उसकी एवरेज स्पीड डीएनए पॉलीमरेज थ्री टाइप का है प्रो में यू में पांच अलग अलग टाइप का है ये सारी बातें हो सकती हैं सर आरएनए प्राइमर भी है। एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम होगा उससे जो स्ट्रैंड बनेगा वो आरएनए प्राइमर बनेगा तो प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर बनाया जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने ग्रीन लाइन यानी डीएनए का स्ट्रैंड बनाया सर आरएनए पॉलीमर आरएनए प्राइमर ये इस पे रहता ही है या हट जाता है बाद में हट जाएगा डीएनए को रेप्लिकेट करने में आरएनए की जरूरत है लेकिन आरएनए रह तो ना सकता है बनना तो डीएनए से डीएनए था आरएनए तो इसलिए था कि भाई शुरू नहीं कर पा रहे तो उसने शुरू करवा दी रिएक्शन बाद में काट के जो हटा दिया जाएगा तो so, वो कैसे हटेगा डीएनए पॉलीमरेज वन प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर एंजाइम वही हटाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क ये पूरे वाई स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाँ वाई स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं जैसे प्रो कैरियॉर्ट में क्या है ना प्रो कैरियॉर्ट में आपको मैंने या आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा 11th का याद नहीं रहता आपने जब भी में पढ़ा होगा या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो बैक्टीरिया का इकोलाई e. का डीएनए कैसा होता है सर्कुलर होता है इकोलाई का डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन विद पॉलियमी ऐसा होता है तो यहां जब एप्लीकेशन फॉर्क बनती है ना तो दोनों तरफ बनेगी लाइक ये खुल भी गया ये एक स्टैंड है और अगर दूसरा स्टैंड खुल गया तो ऐसे खुलेगा ये कॉइल है दोनों तरफ से खुलेगा ये ऐसे अब दोनों तरफ से खुलेगा तो इसका मतलब जब डीएनए बनेंगे तो दो अलग अलग साइड पे इधर अलग एक पे कॉन्टिन्यूस तो एक पे डिस्कटिन्यूअस और जब इधर से बनेगा तो इधर डिस्कॉन्टिन्यूस आएगा और इस पे कॉन्टिन्यूस आएगा अगर आप इमेजिन करोगे तो एक रेप्लीकेशन फॉर ये है और एक रेप्लीकेशन फॉर ये है ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और कॉपी करके क्या होगा ये दो ग्रीन लाइन के ऊपर दो रेड लाइन आ जाएंगी और जब ये अलग अलग होंगे तो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन सेमी कंजर्वेटिव बन जाएगा तो इकोलाई e में दोनों तरफ से जो है वो होता है तो इसलिए रादर देन की अपर एंड लोअर या लेफ्ट एंड राइट आपको सिर्फ पोलैरिटी याद रखनी है क्योंकि पॉलीमराइजेशन यानी डीएनए पॉलीमरेज केवल फाइव टू थ्री काम कर सकता है तो टेम्पलेट मस्ट भी थ्री टू फाइव टेम्पलेट थ्री टू फाइव होगा तभी तो पॉलीमराइजेशन फाइव टू थ्री हो सकता है तभी तो डीएनए के दोनों हो पाएंगे, जो और क्योंकि पॉलीमराइजेशन होता ही फाइव टू थ्री है आप ये भी कह सकते हो कि टेम्पलेट फिर थ्री टू फाइव वाला ही रहेगा कोई और टेम्पलेट हो ही नहीं सकता ये तो मैंने एक नई सी बना दी थी बाकी मेन तो यही है जो आपके सामने बनी है स्लाइड हो गया नेक्स्ट पे चले बोलो हाँ अच्छा मैं जस्ट पानी लेके आता हूँ आप बना लो इसे एक मिनट बस मुझे दो हो गया okay, बेटा सर yes. हाँ बोलो सर जो आरएनए प्राइमर है उसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटाएगा सीधा या माइनर वाला पहले आएगा नहीं वो फर्स्ट वाला है वही हटाता है माइनर वाले का रोल जैसे सारे बैक्टीरिया हैं तो किसी मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज वन ये काम करेगा इन एब्सेंस ऑफ वन कभी अगर वन काम नहीं कर पाता तो उसकी जगह ये काम टू कर देता है टू वाले का रोल बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक उसको कहा जाता है कि वो माइनर है वो हेल्प कर देगा लेकिन जो मेन एंजाइम है प्रूफ रीडिंग रिपेयर का वो वन है और रेप्लीकेट करने का जो मेन एंजाइम है वो थ्री है यस yes, सर तो फर्स्ट और थ्री ही इन्वॉल्व है सेकंड वाला तो ना के बराबर है निक, बार बता है। निक मतलब गैप बनाना जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे समझाऊ आपको कि ये एक जैसे ही कोई रस्सी बनी हुई है है ना ये पूरा डीएनए है ये एक है और फिर ये रस्सी ऐसे है ये, ऐसे ये कॉइल है अब मान लो मुझे डीएनए को रेप्लीकेट करना है मुझे ये जो दो रेड लाइन मैंने बनाई है कि एक थ्री से लेके एक फाइव है एक फाइव से लेके एक थ्री है तो मुझे इस पर दो ग्रीन लाइन बनानी है तो मैं क्या करूंगा मैं इसको खोलूंगा पहले अब ये खुलेगी कहाँ से यहाँ से ये फ्री नहीं है क्योंकि ई कोलाई में आपने पढ़ा है कि ई कोलाई का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है सर्कुलर होता है तो इसके एंड कभी फ्री नहीं होंगे ये ऐसे ही रहेगा हमेशा तो आप कहां से खोलोगे इसको ये तो पूरा का पूरा कॉइल्ड है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का होता है तो आप इसे कहां से खोलोगे तो इसको खोलने के लिए क्या कहो है एक जगह चाहिए होती है मॉलिकुलर बायोलॉजी में एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जहां से डीएनए केवल खुल सकता है उसको हम बोलते हैं ओरी साइट तो हम मानते हैं कि ये जो यहाँ पे मैं, मैं डॉट बना रहा हूं ये ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन की साइट है ओरी साइट है ये जैसे आपने पीवीआर 322 थ्री टू टू का डायग्राम पढ़ा होगा उसमें बायोटेक्नोलॉजी में तो उसमें आपको अलग अलग जीन दे रखे और बीच में कहीं लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल ये ओरी है यानी ये यहां से ही रेप्लीकेट करेगा अब यहां से रेप्लीकेट करेगा तो निक कैसे क्रिएट करना ये तो पहले से ही प्रेजेंट है ओरी निक क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि यहां पे मान लीजिए अगर ए टी जी सी है तो इसके पैरल यहाँ पे टी ए सी जी होगा और यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे क्रिक मॉडल के हिसाब से तो निक क्रिएट करने का मतलब ये है कि इनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इन्हें तोड़ना इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये तोड़े जाएंगे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना यहाँ पे ये ब्रेक किए जाएंगे जब हाइड्रोजन ब्रॉक आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा अब इसको पकड़ के मान लो इसको आपने इधर खींचा और इसको आपने इधर खींचा तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा ये स्ट्रक्चर यहां से जाके ऐसे खुल जाएगा और ये चला ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो यहां से जाके ऐसे हो गया बाकी ये कॉइल्ड ही है तो अब ये गैप क्रिएट हो गया ये यहां से खुल गया और ये यहां से खुलता जाएगा ये इधर खुलेगा और ये इधर खुलेगा तो निक क्रिएट करने का मतलब होता है पूरी साइड पे जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ना वो निक फॉर्मेशन कहलाता है ओके ठीक है चले अगले टॉपिक पे यस yes, सर अब नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन अगला टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन अब अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आपकी बुक के हिसाब से सिंपली कहा जाए तो एम का बनना क्योंकि आपको यही पढ़ाया जाएगा डीएनए से एम ट्रांसक्रिप्शन होता है या कुछ और भी होता है बताओ थोड़ा बहुत तो पहले से भी पढ़ा होगा डीएनए से एम के अलावा ट्रांसक्रिप्शन कुछ हो सकता है इसमें गलत क्या है नीट के हिसाब से और ऐसा करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो आर एन ए पॉल है अभी इसका फुल फॉर्म हम लिख देंगे अब इसमें मिस्टेक क्या है मिस्टेक ये है कि ऐसा नहीं है कि डीएनए से केवल मैसेंजर आर एन ए बनेगा कोई भी आर एन ए आप बनाओ एम आर एन ए की जगह आर आर एन ए बनाओ राइबोसोमल आरएनए, आर एन ए इसकी जगह आप टी आर एन ए बनाओ ट्रांसफर आर एन ए या इसकी जगह कोई और आर एन ए बनाओ किसी भी टाइप का आर एन ए बना सकते हो कोई रिजिड नहीं है All type of RNA. अगर आपने डीएनए से कोई भी आर बनाया तो ट्रांसक्रिप्शन ही होगा ठीक है कि आगे जो सिलेबस में है वो मैसेजर आर को लेके ही पढ़ेंगे लेकिन आप राइबोसोमल ट्रांसफर एच एन आर एन और भी जो आर आपको पढ़ाए जाएंगे सब बना सकते हो दूसरी चीज जो करेक्ट करनी है वो ये कि जैसे डीएनए में दोनों डीएनए के स्टैंड टेम्पलेट का, का काम करते हैं दो डीएनए से दो डीएनए बन गए टोटल चार स्ट्रैंड हो गए ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बन सकता केवल एक से बनेगा जिस एक से बनेगा वो टैंपलेट डीएनए कहलाएगा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या है ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ आर ऑल टाइप ऑफ आर फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए और टेम्पलेट डीएनए कोई एक ही होता है डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल का टेम्पलेट का काम नहीं करते वो भी हम पढ़ेंगे बाई द हेल्प ऑफ एनजाइम आर एन ए पॉलीमरीज इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन अब यह डेफिनेशन ठीक है एक तो ये कि आप कोई भी आर एन ए बना सकते हो दूसरा ये कि दोनों डीएनए के स्टैंड से नहीं हो सकता ये काम किसी एक ही स्टैंड से हो सकता है That is, is template, DNA is उससे जब आप कोई भी आर एन ए बनाओगे यूजिंग द एनजाइम आर एन ए पॉलीमरीज तो ट्रांसक्रिप्शन क्या लाएगा क्योंकि हम डीएनए से आर एन ए बना रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या लिखी जाएगी दिस इज डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए इसको क्या बोलोगे डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरिज आर एन ए की फुल फॉर्म डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए हो गया अब सबसे पहली बात बुक के हिसाब से अगर चलें तो यही पढ़ते हैं कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड टेम्पलेट क्यों नहीं हो सकते क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम डीएनए के दो स्ट्रैंड यूज कर लें एक साथ एट ए टाइम जो नहीं कर सकते चाहे प्रो कैरी हो या यू कैरी हो अब जस्ट सपोज कि मान लीजिए मैंने डीएनए के दो स्ट्रैंड बना दिए मैं खोल के बना दे रहा हूं एक ये है और ये है फाइव टू थ्री दूसरा ये मान लेता हूं तो ये होगा थ्री टू फाइव मान लीजिए ये डीएनए के दो स्टैंड है अब ट्रांसक्रिप्शन करना है आरएनए एन पॉलीमेरियस की भी मजबूरी वही है सेम कि ये भी हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ही वर्क करेगा फिक्स है ये भी क्या करेगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वर्क करेगा तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आर ए और डीएनए का एंटी पैरल ही आर का स्टैंड बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए ऊपर वाला स्टैंड टेम्पलेट माने फाइव टू थ्री और हमें इस पे आर बनाना है फाइव टू थ्री तो आर एन ए फाइव टू थ्री बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे और एंटी पैरल भी आए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा हमें इधर फाइव लेना पड़ेगा और इधर थ्री लेना पड़ेगा तो ये आर बनेगा है ना तभी तो एंटी पैरल होगा तो आपको जो आर एन ए बनाना है वो ऐसे ही तो बनाना पड़ेगा क्योंकि आर एन ए भी कैसा बनेगा फाइव टू थ्री बनेगा तो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम आर एन ए बनाने के लिए ऐसा यानी आर एन ए पॉलीमरीज कहा बाइंड करेगा आर एन ए पॉलीमरीज यहाँ बाइंड करेगा तो ये आएगा है ना ऐसे नीचे वाले पे भी अगर आपको बनाना होगा तो क्या होगा तो ये भी आपको इसमें आर एन ए पॉलीमरीज कहाँ बाइंड करना पड़ेगा इधर करना पड़ेगा आर एन ए पॉलीमरीज यहाँ बाइंड करा होगा तो ये फाइव प्राइम होगा और ये थ्री प्राइम होगा तो उसके हिसाब से जो है वो ये सिचुएशन आएगी तो पहली चीज ये कि अगर आपने दोनों ग्रीन लाइन को दोनों डीएनए टेम्पलेट माना तो आपके पास दो आर एन से बनने वाले दो एम हो जाएंगे यानी जीन तो एक ही है लेकिन उसके एमआरएनए दो हो गए जीन एक है और एमआरएनए कितने हो गए दो और एमआरएनए से आगे जाके बनती है प्रोटीन यानी एक जीन से दो प्रोटीन बन जाएंगी जो इम्पॉसिबल है ऐसा हो ही नहीं सकता एक जीन से एक ही प्रोटीन बनती है एक जीन दो करेक्टर तो गवर्न कर सकती है आपने पढ़ा है कि वन जीन गवर्निंग मैनी करेक्टर प्लियोट्रॉपी लेकिन एक जीन से दो प्रोटीन बन जाए ऐसा नहीं हो सकता लेकिन अगर हम ये मान लें कि दोनों ग्रीन लाइन पे दो रेड लाइन बन जाएंगी तो ऐसा केस में तो फिर दो एम बन गए एक ही जीन के और एक ही जीन के क्योंकि जीन तो ये है जहां से आपने आर बनाया ये जीन है जीन ऐसा था ना कि सिंगल स्टैंड में जीन होती है जीन तो डबल स्टैंड की होती है तो जीन तो यहां से यहां कि पूरी जीन है ये ये सर्किल जो है है वो पूरा जीन है, एक जीन तो पता बताया एक जीन के दो डीएनए स्टैंड से दो एम अगर आपने बना दिए तो दो एम का मतलब दो प्रोटीन हो गई एक जीन से दो प्रोटीन कभी नहीं बन सकती तो पहली लाइन या पहली पॉसिबिलिटी कि हम दोनों डीएनए टेम्पलेट को क्यों यूज नहीं कर सकते वो ये हो गया दूसरी चीज अगर बाई चांस मान ले कि हम ये काम कर ले चलो मान लेते हैं कि एक जीन से दो प्रोटीन बना लो तो भी क्या होगा जैसे ही ये दो एम बनेंगे तो दो ग्रीन लाइन अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर दो ग्रीन लाइन आपस में यहां पे हेलिकली क्वाइल्ड होंगी ऐसे है ना ऐसे ये दो ग्रीन लाइन भी आपस में जो है वो डीएनए तो है ये तो डीएनए है तो हेलिकली क्वॉल्ड होगा तो इसका मतलब होगा कि जैसे ही दो रेड लाइन बनेगी वो भी तो एंटी पैरल है तो ये भी आपस में कॉइल कर जाएंगी तो जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स होता है वैसे आरएनए का डबल हेलिक्स हो जाएगा और आरएनए अगर डबल हेलिक्स में हो गया तो अगेन प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए तो अगर हमने दो एम एक साथ बना दिए तो एम का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा वो भी पॉसिबल नहीं है तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दो टेम्पलेट डीएनए यूज नहीं होंगे केवल एक टेम्पलेट डीएनए जो है वो यूज होगा पहला रीजन ये कि अगर हमने दोनों टेम्पलेट डीएनए यूज किए तो उससे दो आरएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे दो आरएनए के मॉलिक्यूल से दो प्रोटीन बनेंगी जो हो नहीं सकती और दूसरा रीजन ये कि अगर दो एमआरएनए बन भी गए तो बिफोर फॉर्मिंग प्रोटीन ये आपस में एंटी पैरेलल होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कॉइल कर जाएंगे तो mRNA, mRNA का हाइब्रिड बन जाएगा एम आर एन ए का डुप्लेक्स बन जाएगा जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स हेलिक्स है, वैसे mRNA का डबल बन जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है तो दीज आर टू रीजन जो एक्सप्लेन करते हैं कि दो DNA के strength, DNA नहीं हो सकते बोलो सर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है जिन ऑर्गेनिजम्स में, तो okay. में कैसे बनता है? कभी नहीं होता है, होता है कभी नहीं होता सर आरएनए डबल स्टैंडर्ड

अगर आपने दो स्टैंड को टेम्पलेट बना भी दिया तो उससे दो आर के मॉलिक्यूल बनेंगे दोनों का अलग अलग सीक्वेंस होगा दोनों की अलग अलग प्रोटीन होगी और अगर एक जीन की दो प्रोटीन बन गई तो तो सारी जेनेटिक्स ही गड़बड़ हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता और दूसरा अगर दो आर आपने एक साथ बना लिए तो आर भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आर डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और आर अगर डबल स्टैंडर्ड हो गया तो प्रॉब्लम ये ज्यादा है कि प्रोटीन बनेगी नहीं

तो से लोगा फिर वो थ्री प्राइम है या फाइव प्राइम है वो भी ढूंढना होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसकी पोलरिटी कैसे डिसाइड करोगे वो टेम्पलेट होगा या नॉन टैम्पलेट डी होगा टेम्पलेट होने के लिए वो थ्री टू फाइव होना चाहिए तभी उस पर आप आर एन टू थ्री बना सकते हो तो अगर हम उससे आर बना रहे हैं तो इसका मतलब अंडर है कि वो थ्री टू फाइव ही रहा होगा देन ऑनली आप आर एन टू थ्री बना पाओगे वरना बनेगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आते हैं मॉलिकुलर बेसिस से कि आपको डीएनए के स्टैंड का सीक्वेंस दे वो कुछ फ्रेम करके पूछ लेंगे है ना खैर ये तो पहली वो बात हो गई कि हम दोनों डीएनए के स्टैंड को टेम्पलेट डीएनए नहीं यूज कर सकते अब बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन फिर होगा कैसे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या है ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है शुरू कैसे होता है ये सब है। देखो अब इसका एक डायग्राम सा है हम वो डायग्राम से समझ लेते हैं ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है ठीक अब इसमें हम मान लें कि ये थ्री टू फाइव है तो ये फाइव टू थ्री होगा ठीक अब आपने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में क्या होता है अभी हमने मैंने बताया आपको कि जो आरएनए बनाओगे वो कैसे बनेगा वो फाइव टू थ्री ही बनेगा फाइव टू थ्री बनने का मतलब है कि मान लीजिए आर एन ए यहां से बना ये एक डॉटेड लाइन है इसको भी हम देखेंगे क्या कहते हैं यहीं से आपका आर एन ए बनना शुरू होगा ये आर एन ए है और आर एन ए कैसे बनेगा ये फाइव होगा तो ये थ्री होगा ये एम आर एन ए बनेगा तो आपने कौन सा कॉपी किया ऊपर वाला कॉपी किया नीचे वाला कॉपी नीचे वाला करोगे तो क्या होगा ये इधर बनेगा लेफ्ट साइड में तो बन ही नहीं सकता अभी हम डिस्कस कर चुके हैं तो ट्रांसक्रिप्शन ऊपर वाले से हुआ नीचे वाले से नहीं हुआ अब ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट में क्या क्या चीजें आती हैं उन पे बात करते हैं वापस ट्रांसक्रिप्शन आप देख ही रहे हो मैंने बीच में से आर बनाना शुरू किया मैंने इधर से बनाना शुरू नहीं किया तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन बनी है इसको बोलते हैं टी एस एस क्या क्या बोलते हैं transcription start site. जहां से से शुरू शुरू होगा वो कहलाता कहलाता है TSS कहलाता है यहां से शुरू हुआ, तो पीछे से कुछ कॉपी नहीं होगा केवल यहां से कॉपी होगा है ना तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट हो गई अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के राइट right साइड में जितने भी बेस पेयर होते हैं इधर इनको बोला जाता है कि ये डाउन स्ट्रीम बेस पेयर है, है? डाउन स्ट्रीम प्लस साइन से शो जाते हैं। इधर जितने भी बेस पेयर या सीक्वेंस आएंगे वो क्या कहलाएगा? अपस्ट्रीम कहलाता है अप स्ट्रीम इस इसको माइनस साइन से शो किया जाता है जैसे मान लीजिए यहां पे कोई बेस जैसे मैं बना रहा हूं डॉटेड लाइन यहां पे कोई बेस सीक्वेंस है तो ये लिख दिया गया माइनस टेन माइनस तो टेन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से दस न्यूक्लियोटाइड पहले यानी माइनस इलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस ऐसे करके ये जीरो है टी एस 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 जीरो तो जीरो से अगर आप लेफ्ट में ले रहे हो तो माइनस में आएगा जीरो से राइट right में ले रहे हो तो प्लस में आएगा तो प्लस फिफ्टी मतलब डाउन स्ट्रीम पचास पेयर अगर कहा जाए माइनस टेन तो इसका मतलब अप स्ट्रीम टेन पेयर और हम कहा से लेंगे टीएसएस से लेंगे टीएसएस विल बी जीरो जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है वहां से आप प्लस और माइनस काउंट करते हो ठीक ये अब आर कितना कॉपी होगा आर सारा कॉपी नहीं होता मान लीजिए आर आपने यहां तक कॉपी किया इसके आगे आर नहीं बनाया तो जितना सेक्शन आप आर में बना रहे हो एक्चुअली ये वो है जो जीन कहलाता है दिस इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन स्टार्टिंग में कभी आपको पढ़ाया था सिस्ट्रॉन को क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं इसे आप क्या बोलोगे स्ट्रक्चरल जीन बोलोगे तो सिस्ट्रॉन क्या है स्ट्रक्चरल जीन टीएसएस साइट से डाउन बेस पेयर जब तक टर्मिनेशन नहीं होता यानी इसके बाद यहां पे क्या आएगा यहां पे फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर आ गया तो ये टर्मिनेटर है जहां पे आरएनए की सिंथेसिस अपने आप रुक जाएगी ये टर्मिनेशन सीक्वेंस या टर्मिनेटर है अब ये टेन क्या कहलाता है माइनस टेन प्रमोटर कहलाता है जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा वो प्रमोटर जो टर्मिनेट करेगा वो टर्मिनेटर जितना आरएनए बनेगा जितने टुकड़े से आरएनए बनेगा केवल उतना टुकड़ा जीन यानी सिस्ट्रॉन कहलाता है तो एक ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में तीन पार्ट हो गए प्रमोटर फिर सिस्ट्रॉन यानी स्ट्रक्चरल जीन और फिर एक हो गया टर्मिनेटर हो गया ये क्योंकि हमने ऊपर वाले से बनाया है तो ऊपर वाला सेंस क्या कहलाता है ऊपर वाले को जो हम बोलते हैं ये मेन स्टैंड है तो टेम्पलेट डीएनए कौन सा बनेगा ऊपर वाला जो जिससे आपने आर बनाया वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा टेम्पलेट डीएनए ये वाला जो है वो क्या है ये टेम्पलेट डीएनए इसको मास्टर स्ट्रैंड भी बोलते हो इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है तो नीचे वाला क्या कहलाएगा नीचे वाला सिंपली कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा जो यूज नहीं होता जिसका ट्रांसक्रिप्शन में कोई पार्ट नहीं है वो क्या कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा और ऊपर वाला क्या कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा मतलब वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी थ्री टू फाइव होगी ऊपर वाली रेड लाइन देखोगे तो क्या है थ्री टू फाइव है तो जिसकी पोलोरिटी थ्री टू फाइव है वो डीएनए क्या कहलाएगा टेम्पलेट या मास्टर या नॉन कोडिंग कहलाता है क्योंकि इसकी थ्री टू फाइव है तो यानी एम आर एन ए फाइव टू थ्री बन सकता है नीचे वाले जिसकी कोडिंग स्टैंड की पोलियरिटी कितनी होती है फाइव टू थ्री होती है और इससे कुछ नहीं होता ये तो खाली बेकार रहेगा नॉन टेम्पलेट डीएनए हो गया तो टेम्पलेट रहेगा आपका ऊपर वाला ऊपर वाले का मतलब जिससे आप एम आर एन ए बनाओगे वो टेम्पलेट डीएनए है दूसरा वाला कोडिंग कहलाएगा एमआरएनए जिससे आप बना रहे हैं उसी टेम्पलेट को आप मास्टर डीएनए या मास्टर स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हो क्लियर तो कोडिंग और नॉन कोडिंग याद रखना है और यह देख लीजिएगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया कोडिंग के रिस्पेक्ट में या नॉन कोडिंग के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी ने क्या किया है एनसीईआरटी ने जब डिस्क्राइब किया है तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हम जो कह रहे हैं या जो बातें हम लिख रहे हैं ट इज विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड जबकि कोडिंग यूज नहीं होता यूज कौन सा होता है टैम्पलेट यानी नॉन कोडिंग होता है तो यह याद रखना है कि आपको कोडिंग के रिस्पेक्ट में क्या ना जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रमोटर इज लोकेटेड एट ये सेंटेंस है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया प्रमोटर इज लोकेटेड एट प्रमोटर की लोकेशन कहा है अब आपके ऑप्शन दिए गए पहला ऑप्शन है थ्री प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए दूसरा ऑप्शन है फाइव प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रेंड तीसरा ऑप्शन है फाइव प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट और चौथा ऑप्शन है थ्री प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग बताओ आंसर क्या क्वेश्चन एक बार फाइव प्राइम ऑफ कोडिंग क्वेश्चन था प्रमोटर इज लोकेटेड एट हमें प्रमोटर की लोकेशन बतानी है प्रमोटर इज लोकेटेड एट और ऑप्शन है थ्री प्राइम ऑफ टेम्पलेट फाइव प्राइम ऑफ टेम्पलेट फिर आएगा और of coding. सर एनसीआरटी के हिसाब से देखना है तो of coding. Of coding और फिर थ्री प्राइम ऑफ नॉन कोडिंग भी तो है ये भी तो है और सर NCRT में तो तो दे रखा है तो नहीं तो लेकिन एनसीआरटी में ये थोड़ा लिखा है कि थ्री प्राइम ऑफ टेम्पलेट हाँ मतलब ये जो लेफ्ट में मैंने लिखे ये दोनों ही आंसर सही है थ्री प्राइम ऑफ टेम्पलेट या सॉरी थ्री प्राइम ऑफ टेम्पलेट और फाइव प्राइम ऑफ कोडिंग एक ये आंसर ठीक है ये इधर देखो तो ये थ्री प्राइम है टेम्पलेट का और फाइव प्राइम है कोडिंग का इधर ही ये प्रमोटर बना हुआ है तो प्रमोटर की लोकेशन आपको देखनी है अब आप मैंने तो आपको दोनों ऑप्शन दे दिए तो दोनों ही ठीक है या तो आप थ्री प्राइम ऑफ टेम्पलेट लिखोगे या फाइव प्राइम ऑफ कोडिंग लिखोगे ये तो नहीं हो सकते ये टर्मिनेटर की लोकेशन आएगी आपसे कहा जाएगी टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट तो उसके हिसाब से आपका आंसर निकल के आएगा थ्री प्राइम ऑफ कोडिंग भी आंसर राइट हो सकता है अब जब दोनों में से एक चूज करोगे तो आपको ऊपर वाला चूज करना होगा क्योंकि प्रमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल ये जो वर्ड यूज किए गए वो टेम्पलेट डीएनए से लिए गए हैं वो कोडिंग से नहीं लिए जाते हैं। आपकी बुक में इसीलिए लिखा है कि हम पोलैरिटी जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड की ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिफाइनिंग यूनिट जो है वो उन्होंने वो मानी है आप नीट के क्वेश्चंस करोगे तो वो टेंपलेट डीएनए के हिसाब से आंसर मांगते हैं तो आप टेंपलेट के हिसाब से कर लो क्लियरली मेंशन होगा कि आपको आंसर किस हिसाब से करना है

बस एक तो स्मॉल डी हट जाएगा क्योंकि डीऑक्सी नहीं है और दूसरा टी की जगह यूरेसिल आ जाएगा तो यूटीपी टीपी आ जाएगा है okay. ना तो बुक में जैसे आप पढ़ोगे तो प्रमोटर और टर्मिनेटर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल जीन के एक तरफ प्रमोटर होता है एक तरफ टर्मिनेटर होता है तो आपकी बुक में लिखा है प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स फाइव प्राइम एंड यानी अपस्ट्रीम अब आप देखोगे तो कोडिंग के लिए यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वर्ड भी दे दिए स्ट्रीम मतलब लेफ्ट वाला ये लिखा है मतलब right वाला। तो में आप देखोगे तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि prime लेकिन prime अगर का बोला गया तो prime किसका होगा Coding का होगा। और अगर आप बोलोगे तो promoter किसका होगा ये prime किसका होगा? फिर ये मास्टर या नॉन कोडिंग का होगा तो बुक में अगर ये लिखा है कि जीन तो ब्रैकेट में यह भी लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू द दोलरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड कोडिंग के हिसाब से आप ले रहे हो फाइव प्राइम अपस्ट्रीम अगर आप नॉन कोडिंग के हिसाब से लोगे तो आंसर क्या आएगा प्राइम अपस्ट्रीम आएगा ऐसे डाउन स्ट्रीम अगर ऑप्शन में दे देते तब तो फिर एक ही आंसर आ जाता होता तो अपस्ट्रीम ही है प्रमोटर हमेशा अपस्ट्रीम होता है टर्मिनेटर हमेशा डाउन स्ट्रीम होता है बस आपको थ्री प्राइम और फाइव प्राइम समझना है कि हमें कोडिंग का लेना है या नॉन कोडिंग यानी मास्टर डीएनए या टेम्पलेट डीएनए का लेना है जो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे वहां पर बहुत क्लियरली होगा कोई आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें कुछ कंफ्यूजिंग हो याद रखने वाली बात है कि थ्री और फाइव कोडिंग नॉन कोडिंग और यूजली होता है ये कि हम कोडिंग नॉन कोडिंग ही उल्टा कमल समझ लेते हैं इस नीचे वाले को कोडिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज एम आर एन ए अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे ए टी जी सी है, है ना अगर आप मान लीजिए मैं रेड लाइन का सीक्वेंस लिखूं तो रेड लाइन का सीक्वेंस क्या आएगा ए आएगा टी आएगा सी आएगा जी आएगा सी आएगा सी आएगा फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस रेड लाइन से जब ग्रीन लाइन यानी एम बनाऊंगा तो क्या बनेगा एक ही सामने टी आना चाहिए बट आर है तो यू आएगा टी के सामने ए आएगा सी के सामने जी आएगा जी के सामने सी आएगा सी के सामने जी और जी आएगा अब मैं लीजिए इस रेड लाइन का अपोजिट तो ये रेड लाइन भी होगा तो इस रेड लाइन का सीक्वेंस क्या आएगा इस रेड लाइन का सीक्वेंस आएगा टी आएगा ए आएगा जी आएगा सी आएगा जी आएगा जी आएगा एम आर एन ए पे जो तीन तीन नाइट्रोजेनस बेस होते हैं उनको कोडॉन बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं जेनेटिक कोड अगर पहले से चैप्टर पढ़ा है तो ये कोडॉन कहलाते हैं तो आप देखोगे तो नीचे वाले स्टेंड का सीक्वेंस और एम आर एन ए का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होता है भाई पहली वाली रेड लाइन दूसरी वाली रेड लाइन के कॉम्प्लीमेंट्री है और पहली वाली रेड लाइन के कॉम्प्लीमेंट्री आपने ये ग्रीन लाइन बना दी तो ये ग्रीन लाइन भी तो इस रेड लाइन के कॉम्प्लीमेंट्री होगी अगर पहली वाली लाइन के उल्टी ये वाली लाइन है तो इस वाली लाइन के उल्टा ही तो ये लाइन होगी तो और ये रेड लाइन इस लाइन के रेड उल्टी तो है तभी तो डीएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अरेंज है तो अगर आप एम और कोडिंग का सीक्वेंस देखोगे तो एग्जैक्टली exactly सेम आएगा सिवाय इस बात के कि रेड लाइन है तो डीएनए है यानी थीन आएगा एम आर एन ए ग्रीन लाइन है तो यानी यूरेसिल यू ए जी सी जी जी और यहां लिखा है टी ए जी सी जी जी तो केवल यू और टी का चेंज हो रहा है और क्योंकि एम आर एन ए पे सीक्वेंस कोडॉन होते हैं इसलिए नीचे वाले को नाम दे दिया गया कोडिंग स्ट्रैंड और कोडॉन का उल्टा नॉन कोडॉन होता ही है तो इसलिए वाले को नाम दे दिया गया नॉन कोडिंग स्ट्रैंड तो नॉन कोडिंग देने का रीजन ये है क्योंकि वो एम आर एन ए का उल्टा है और कोडिंग देने का रीजन ये है क्योंकि वो एम आर एन ए के जैसा ही है सिवाय इस बात के कि बींग आर एन ए उसमें था की जगह यूरासिल होगा डन तो ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का डायग्राम क्या लाता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर टर्मिनेटर ये सब है प्रमोटर जैसे मैंने माइनस टेन लिखा है तो प्रमोटर एक्चुअली होता ही ऐसा है बीच में एक छोटा सा गैप आता है हम इस गैप को बाद में भी देखेंगे कि इस गैप को क्या बोलेंगे है ना ये जो गैप आपने बनाया है ये वाला इस गैप को कुछ और बोला जाता है बट फिलहाल अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे आपको यहां से बस ये समझ में आएगा कि टी एस एस साइड से कुछ बेस पेयर पहले माइनस टेन इसीलिए लिखा कुछ बेस पेयर पहले प्रमोटर होता है ठीक पहले नहीं होता है ना कुछ बेस पेयर पहले प्रमोटर होता है प्रमोटर का, का काम क्या होता है ये आर एन ए पॉलीमरेज यहीं पे आके बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज जब किसी चीज को पहचानता है ना तो वो यहां से पहचानता है जैसे डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से पहचान रहा है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से पहचान रहा है अच्छा डीएनए में मान लीजिए अगर एक दो न्यूक्लियोटाइड छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी पहले आर बनाया था बाद में काट के अलग किया ना और फिर सही भी कर लिया तो डीएनए में अगर कुछ मिसिंग हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप ये कहें कि आर में कुछ मिसिंग हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है अगर इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड भी कॉपी नहीं हुआ टीएसएस साइट के डाउन स्ट्रीम पे अगर एक न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज हो गया तो प्रोटीन कोई दूसरी बन जाएगी जो बननी चाहिए उसकी जगह कुछ और बन जाएगा तो ये इंश्योर करने के लिए कि टीएसएस साइट के बाद गलती ना हो तो उससे थोड़ा पहले से दौड़ना शुरू कर देते हैं जैसे बॉलर होता है कि वो जहां से बॉल फेंकनी होती है उससे पहले दौड़ना शुरू करता है क्योंकि उसे वो पेस मेंटेन करना होता है और वहां से दौड़ेगा तो गलती करेगा ही करेगा तो वो थोड़ा पीछे से दौड़ना शुरू करता है ताकि वहां जाके गलती ना हो गलतियां तब भी हो जाती हैं नो बॉल तो तब भी हो जाती है बट रेयर केस में बॉलर है तो उसे पता है कि उसे कितनी पीछे जाके और कितनी स्पीड से दौड़ना है सो so दैट आगे गलती ना हो नो बॉल ना हो तो आर एन पॉलीमरेज भी क्या करता है माइनस टेन पे आके बाइंड करेगा फिर जो माइनस नाइन से लेके और जीरो तक के जो नाइट्रोजेनस बेस है उनको वो स्पेल चेकर के तरीके से अपने पेस को मेंटेन करने के लिए काम करता है उससे कोई आरएनए नहीं बनाएगा जैसे ही वो जीरो के बाद प्लस वन पे पहुंचेगा वो इमिडिएटली आर एन ए का पॉलीमराइजेशन करना शुरू कर देता है यानी वहां से एम आर एन ए का बनना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रमोटर का काम है प्रमोटर को हम आगे बोलेंगे रिकग्निशन सीक्वेंस पहचानने के सीक्वेंस है और माइनस टेन इसलिए लिखा क्योंकि ई e. कोलाई के अंदर प्रो कैरियॉर्ट के अंदर जो पहला रिकोग्निशन सीक्वेंस होता है वो माइनस टेन पे ही होता है वो होता ही दस नाइट्रोजिनस बेस पहले है टेन न्यूक्लियोटाइड पहले एक सीक्वेंस होता है

टीएसएस साइट और टर्मिनेटर के बीच में अगर हजार जीन भी हैं तो हजार जीन एक साथ कॉपी हो जाएंगी बीच में आरएनए आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज कहीं नहीं रुकेगा क्योंकि के रुकने का सिग्नल टर्मिनेटर प्रोवाइड करता है तो जब तक टर्मिनेटर नहीं आएगा पॉलिमरेज कॉपी करता ही रहेगा तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट के बारे में अब इसके बाद आपकी बुक में जीन करके हेडिंग दी है इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या है इस जीन के अंदर इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं सर से बात हुई है आपकी दो क्लास करके फटाफट सिलेबस पूरे कराने के लिए हम अगले वीक से प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक सो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से आपकी दो क्लास हो जाएंगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आप लोग कह रहे थे कि एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं हुआ है सर ने नहीं कराया यस yes, सर तो वो तो जोलॉजी में है जोलॉजी वाले सर करा देंगे अभी वो क्या करा रहे हैं जोलॉजी में सर सर बायोटेक बायोटेक करा रहे हैं तो आई थिंक उसे कन, उन्हें कन्वे कर दिया जाएगा वो करा इनवायरमेंटलेंगे माइक्रोबिन वेलफेयर वो मुझे कराना है प्लांट ब्रीडिंग uh, प्लांट ब्रीडिंग करा दी उन्होंने नो सर नहीं कराई सिंगल सेल प्रोटीन और प्लांट कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन ये कराया है

तो वो ऑफिशियली वही पढ़ा देंगे वैसे भी इन्वायरमेंटल तो okay, चलो फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे और इसको पढ़ेंगे जीन के बारे में है ना जीन मतलब जो बीच में स्ट्रक्चरल जीन लिखा है ना अब इसको खोल के देखेंगे ये कितना बड़ा हो सकता है प्रमोटर और आप ऐसे याद रखिएगा हमने कहीं क्रोमोसोम से चैप्टर स्टार्ट किया था क्रोमोसोम में हमने डीएनए को ढूंढा और डीएनए में फिर हमने डीएनए रेप्लीकेट -E किया साइट से और फिर डीएनए से हम आर बना रहे हैं तो टीएसएस साइड से बना रहे हैं पूरे डीएनए से आर नहीं बन रहा केवल टीएसएस साइड से आर एन ए बन रहा है तब तक जब तक, तक टर्मिनेटर नहीं आ जाता और फिर जब आप एम आर एन ए से आगे प्रोटीन बनाओगे तो उसे और छोटा करेंगे धीरे धीरे ये बहुत छोटा होता जाएगा प्रोटीन के बनने तक ठीक है सर पॉलीपलर आपके इस वाले चैप्टर के, के क्लासेस रिकॉर्डेड वाली नहीं आ रही सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं आ रही है यस सर यस सर एक बार पूछ लेता हूँ रिकॉर्डेड क्लास के लिए क्या इशू है यस सर क्योंकि एक क्लास बीच में छूट गई थी सर तो फिर गर... ठीक है ठीक है मैं अभी उनसे बात करके देखता हूं कि क्या है ओके सर हां बेटा सर इस बार के टेस्ट में कौन-कौन से चैप्टर आएगा इकोलॉजी भी आएगी क्या

अगर इस वीक में होगा या इसके बाद वीक में होगा टेस्ट तो मॉलिकुलर से ही हम दे देंगे टेस्ट पेपर तो सर केवल इसी में से आएगा हाँ इसी में से बना लेंगे एक बार देख लेता हूँ इस हफ्ते आना, अगले, अगले आना है तब तो इसी में से आएगा आ, आ, तो तो फिर हम इसी में से बना देंगे तब तक तो एक दो, दो क्लास और भी हो जाएंगी आपकी सर है तो मैनेज हो जाएगा जल्दी गुड नाइट k-e-s-c